हाजरीन, अब ज़ियारत है मस्जिद कूफा की। तो नाजरीन, अभी हम मौजूद है मस्जिद कूफा में, जो कि एक बहुत सुंदर, खूबसूरत और बड़ी मस्जिद है। आपको नज़ारा करवा देता हूँ। और सामने बिल्कुल मौला अली की तरह एक गुंबद भी है, उसका भी आपको दीदार कराता हूँ। तो चलिए नाजरीन, सामने आपको दिख रहा है जो गुंबद, माशाल्लाह सेम मौला अली जैसा बट छोटा है। ये पूरी मस्जिद है कूफा, मुझे तो ये सिर्फ एक भाग है। ऐसे अंकल दादा पा और एक अंकल, बड़े बड़े कैमरे लगे हुए और शायद अंकल। नाजरीन, ये है हजरत अली के बेटी, जिनका नाम है हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा इब्ने अली इब्ने अली अबी तालिब। इजाज़त कर लीजिए। ये इमाम हुसैन की बहन है। ये जरी मुबारक फॉर डेकोरेशन। ये मकाम इब्राहिम अलैहिस्सलाम। यहाँ पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम का मकाम, और वहाँ पर है शायद से ये है मकाम खिज़र अलैहिस्सलाम। मकाम खिज़र अलैहिस्सलाम, और अब थोड़ा कष्ट उठा के थोड़ी धूप में से ले जाएंगे। बट ये जो टाइल्स है बिल्कुल भी गर्म नहीं है, ये मार्बल टाइल्स नहीं है। और ये गुंबद मौला के, और ये पूरी मस्जिद है कूफा। ये वो जगह है जहाँ पर मौला अली फैसला सुनाते थे। الأقدام لجلال وجهك الكريم يا كريم برحمتك يا أرحم الراحمين نادي صلوات تبرك مقام بيت القشط ये जगह पे किया था। એક રિવાયત પ્રમાણે એવું છે કે થાર ભરેલો કિચડ અને માટી મંગાવે છે અને એમાં એને બેસાડે છે, પેલી જડ એની સ્મેલ થી બહાર આવી જાય છે। અને બીજી રિવાયત પ્રમાણે એવું છે કે પેલા સામ્રાજ્ય એક પથ્થર બરફ નો પહાડ માંથી પથ્થર લાવી બરફ લાવી અને એના પર એ બેસાડે તો એને જે ઠંડુ લાગે એનાથી બહાર આવી જાય છે અને એ લેડીઝ કતર કરતા બચી જાય છે। યે મુજીઝા મૌલા અલી મકામી બૈત અલ-તશત બિસ્મિલ્લાહિ રહમાન રહીમ અલ્લાહુમ્મ ફતકબલ દુઆ जैन। ये वो जगह है जहाँ पर नबी अलैहिस्सलाम की जब कश्ती शुरू हुई थी, यहाँ से पानी निकला, जब पूरी दुनिया में घुमाया था तो यहाँ से स्टार्ट किया था। नाज़रीन, ये वो जगह है जहाँ पर जब हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज पे गए, जब यहाँ पर नमाज भी उन्होंने अदा करी थी। और ये वो पत्थर है जो वो टाइम पे टाइम दिखाता था, और मोहम्मद वाले मोहम्मद जापान नाज़रीन, ये वो पत्थर है जो सूरज की रोशनी से टाइम दिखाता था। नाज़रीन एक बात बताओ, ये जो कारपेट दिख रही है आपको, ये कारपेट गर्म है लेकिन ये जो टाइल्स है ये बिल्कुल ठंडी है। ये वो जो मक्का शरीफ में जो लगी हुई है हरम में टाइल्स, ये वो टाइल्स है। बोरे लोगों ने बहुत खर्चा करा है इसके लिए। ये वो जगह है जहाँ पर आदम अलैहिस्सलाम ने रोकर पंजतनी का नाम लेकर दुआ की थी, तब उनकी मगफिरत हुई थी। तो वाकई है कि जब वो 40 साल रहे थे, आदम अलैहिस्सलाम 40 साल रहे थे, बट फिर भी उनकी मगफिरत नहीं हुई थी।
बट यहाँ पर आके जब उन्होंने पंजे दिन पाक का नाम लिया, जब यहाँ पर उनकी उठ फिर तो ये है वो पत्थर ये वो जगह है जहाँ पर जब अली मौला अली को जब खंजर मारा गया था, जब मौला अली कत्ल हुए थे, तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ऊपर से नीचे आकर उन्होंने बूम पाड़ी के मौला अली कत्ल हो चुके हैं, और फिर वो ऊपर गए थे। तो ये वो पत्थर है माशाल्लाह। ये मेहराब की जगह है जहाँ पर मौला अली को शहीद खंजर लगा था। ये वो जगह है जहाँ मौला अली को जर्ब लगी थी। यस, यही वो जगह है। मुझे थोड़ा पीछे है, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है। ये नाजरीन जो जगह देख रहे हैं आप, ये एक मेहराब था, इमाम मौला अली यहाँ पर नमाज पढ़ाया करते थे, और एक वहाँ पर भी था, वहाँ पर आपने जो देखा वो, यहाँ पर मौला अली नमाज पढ़ाया करते थे। ज़्यादात के लिए जगह ये वो जगह है जहाँ मौला अली नमाज पढ़ाया करते थे माशाल्लाह। नाजिन, अब ये जो आप जगह देख रहे हैं वो मुस्लिम बिन अकील का रोज़ा है, ये बोली मस्जिद अल कूफा, और अंदर जाते ही मुस्लिम बिन अकील जिनकी करबला में उनका बहुत बड़ा वाक़या है। ये है मुस्लिम बिन अकील का रोज़ा मुबारक, ज़ारत कर दे पहले माशाल्लाह। नाज़रीन, अब आप जो सामने देख रहे हैं हानी बिन उरवा का रोजा, मुस्लिम बिन अकील सामने और हानी बिन उरवा यहाँ पर। उन्होंने मुस्लिम बिन अकील को पनाह दी थी, तो ज़ियारत करें। ये हजरत हानी बिन उरवा, हानी बिन उरवा का रोजा। चलो।